नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गोर में। मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती लेकर आ चुके हैं दोस्तों। ये भर्ती रहेगी संचनालय गैर राहत एवं पुनर्वास विभाग में। तो गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग में भर्ती कौन कौन से पद पर रहने वाले हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सभी आपको जानकारी देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे तो पहले दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर में आपको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो आप ध्यान से देखिएगा, BGTRRDMP। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे आप यहां पर भोपाल ग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले यहां पर आपको रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट वाले पर क्लिक करोगे यहां पर आपको जो है वो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। संचनालय गैस राहत एवं पुनर्वास शिवाजी नगर भोपाल से 28/11/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी कनिष्ठ परामर्शी, विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी की संविदा नियुक्ति के संबंध में इसकी अंतिम तारीख दोस्तों 20/12/2024 है। मध्य प्रदेश शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित गैस राहत चिकित्सा इकाइयों में वरिष्ठ परामर्शी दाताओं की भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो दोस्तों उम्मीदवारों के लिए ₹500 जो रहेगा आवेदन शुल्क, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ₹250 रहेगा। मतलब ओबीसी और जनरल के लिए ₹500 इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है और ST SC जनजाति के लिए ₹250 इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है, जो कि 20/12/2024 दिन शुक्रवार है। 5 बजे से पहले पहले आपको जमा कर देना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पद अगर हम देखें तो वरिष्ठ परामर्शी चिकित्सा महाविद्यालय के उपाध्यक्ष के समकक्ष, यहाँ पर आपको इसमें जो आपका सैलरी देखने को मिल जाएगी, इसमें न्यूनतम योग्यता देखने को मिल जाएगी, अनुभव देखने को मिल जाएगा और विषयवार रिक्तियां। यहाँ पर आप नीचे देखते जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग पद पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं आयु सीमा की तो न्यूनतम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा आपकी 65 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर संविदा नियुक्ति आपकी संविदा चिकित्सा की संविदा की काल अवधि नियुक्ति दिनांक से अधिकतम 2 वर्ष तक रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चयन किस प्रकार से होगा, तो आपका चयन जो है साक्षात्कार के आधार पर भी होगा। यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के मापदंड क्या रहेंगे, MBA की उपाधि अगर है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, स्नातक पर है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट पर 10 अंक मिलेंगे, प्रकाशन हेतु 15 अंक मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपका साक्षात्कार हेतु आपको 30 अंक दिए जाएंगे। इस आधार पर टोटल आपका 100 अंक का जो है वो होगा, उसके आधार पर आपको जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन डाउनलोड कहाँ से होगा मैंने आपको बता ही दिया है, जरूर से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।